हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशुगा मर्तोलिया में। आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आई होप आप लोग भी सब बढ़िया होंगे, हम लोग भी सब बढ़िया हैं। सो दोस्तों, आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अपन से। मैं आजकल एप्पल डालने में थोड़ी बिजी हूँ। मैंने कल रात में शाम को मैंने सारे पेंट कर लिए थे, रेड पेंट कर लिए थे। उसके बाद सूख गया, रात भर में सूख गया, तो सुबह मैंने एक डेली बनाई। अभी मैं दूसरी डेली कंप्लीट ही हो गया लगभग। मेरी चल रही है अपन डलाई डेली। मैं अपन डाल लूँ, एक डेली का मैंने बना दिया है। दूसरी डेली की हो रही तैयारी। इसमें मैंने आउटलाइन खींच दिया है और इसमें मैं मोटा मोटा बनाऊंगी मोटे वाले एप्पल। फाइनली कंप्लीट हो गया मेरा ये डेली भी। ये बीच का बनाने में इतना टाइम लगा, किनारे का बनाने में बहुत ही टाइम लग गया है। बहुत ही उंगलियाँ दर्द होने लग गई। सो कमेंट्स करके आप बताइएगा मैंने कैसी बनाई है एप्पल। मैं एप्पल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट ये है कि थोड़ा बहुत बना लेती हूँ देख दाख कर। सो ये है हल्द्वानी का सदर मार्केट, जो पूरा दिवाली के उससे सज गया है, ये देख सकते हैं। लोग जोर शोरों से दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं और आज मार्केट पूरी ओपन है क्योंकि बहुत ही सुंदर सजा है। दोस्तों, मैं आई थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए, बट मैं लकी हूँ कि मुझे सौरभ जोशी की फैमिली मुझे मिल गई है। फादर है, उनके पापा जी हैं, मम्मी जी और चाची जी। इतने सिंपल, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं वैसे ही शॉपिंग कर रहे हैं और दिवाली की शॉपिंग हो रही है आप लोगों की। बहुत अच्छा लगा आप लोग को देख के। एक बार फ्रंट भी ले लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, और हमारी पहाड़ के ही है। और सौरभ जोशी आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के क्या, हमारे वर्ल्ड के फेमस यूट्यूबर है। उनकी फैमिली के साथ मुझे सौभाग्य मिला, आज मिलने का सौभाग्य मिला। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग को देख के। थैंक यू। यहाँ पे सुंदर सुंदर माता के मखौटे भी है। उसके ऊपर रखने के बाद फिर जैसे लोटे में जलल भर लिया आपने, इससे वजन तो हिलेगा नहीं। नीचे तक घाघरा बना दिया आपने, घाघरा बना दिया, ऊपर चुनरी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, पूरा हल्द्वानी का मार्केट इस तरह से सज गया है। ये गरम माल में सेल लगा दी। आज सैटरडे के दिन भी इतनी भीड़ है, आप देख सकते हो। अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर में भी इतनी भीड़ है। आज क्योंकि मौसम अच्छा है इसलिए भीड़ भी बहुत हो रही है। सो दोस्तों, छोटी मोटी शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ घर जाने के लिए वापस। यहाँ पे लगे हैं कपड़ों की शॉप और सामने एक कालू साई मंदिर। जो कालू साई मंदिर के सामने भीख मांगते हैं उनका सत्यापन नहीं है तो उनको पुलिस वाले सब उठा के ले जा रहे हैं। चलो चलो।
ये देखिए इनका सत्यापन नहीं, इनके पास आईडी नहीं, तो इनको जबरदस्ती पुलिस वाले उठा के ले जा रहे हैं। अरे मंजू मैडम रखवाओ ना ऊपर पैर, ये रखवाओ ऊपर पैर, चढ़ाओ अभी आ जाइए, उठा दो उठा दो, इधर आ जाइए मैडम इधर आ जाइए, आ जा बोल रहे हो साथ वाले गाड़ी में कह रहे आ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। अरे भैया तुम जाओ भैया, हेलो छोड़ दे बेटा, दाल चावल खिला के भेज देंगे, राजमा चावल मंगा रखा वहाँ यहाँ पे देखिए इतनी भीड़ है। वैसे सही भी है ना, होना भी चाहिए ना, कैसे पता चल जाए कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आजकल बाहर से तो बहुत आ रहे हैं। सही बात है, ये चीज़ होनी भी चाहिए। यहाँ पूरी मीडिया भी खड़ी है, सारे सारी बहुत भीड़ खड़ी है, अब इनको पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है और उसके बाद फिर इनका सत्यापन करके वहाँ से आए पूछताछ करके फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। बाय बोल रही है वो, देखो बाय कर रही, बाय बाय। यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, मैम के पास एक पेपर है जिसमें लिखा है चाइल्ड हेल्प लाइन नैनीताल लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हमें पता नहीं है कि इससे छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं या फिर ऐसे लावारिस सड़कों पे घूमते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक हेल्पलाइन है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से ही है, अभी महिला कल्याण विभाग अभी इसको देख रहा है। हाँ हाँ, अभी जो हम लोग काम करते हैं, तो आप लोग इन बच्चों को ले जाके आप करते क्या है? मैम इन बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, प्रॉपर देखा जाता है कि बच्चे मूल रूप से कहाँ के हैं, उसके बाद इनको एजुकेशन और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसे जोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। अच्छा, सारी गवर्नमेंट की तरफ से होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इनका रहने वहने का भी सारा होता है। मैम देखते हैं, अगर पेरेंट्स मिल जाते हैं तो पेरेंट्स को देते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं मिले तो बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अच्छा। फिर वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कहाँ पर रखना है। ओके मैम, आप लोग बहुत अच्छी। अभी एक मुहिम चल रही है भिक्षा नहीं शिक्षा, तो हल्द्वानी क्षेत्र में आप देख रहे हैं अभी बहुत सारे बच्चे भीख मांगना कूड़ा बीनने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी आप 10-9-8 में कॉल कर सकते हैं, तुरंत उनको रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी, उसके बाद उनको एजुकेशन से नीड, जो भी उनकी एजुकेशन की नीड है, यहाँ पर दो खुला बाल आश्रय का संचालित है जो भिक्षा वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ से भी बच्चों को जोड़ा जाता है, वहाँ डे केयर के लिए बच्चे आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं और सुबह बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मैम बहुत अच्छी बात है, और हमको ये पता नहीं था, ये बातें समाज तक पहुँचनी चाहिए वैसे ना, क्योंकि अचानक मुझे आपके हाथ में स्लिप देखा था। नहीं नहीं मैम, अभी हमारा ना स्कूल में अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चल रहा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के डीएम मैडम ने इसमें हमें आदेश दिए थे, उसमें हम अभी जागरूकता का ही हमारा जो अभियान चल रहा है मेन, हम उसी में फोकस करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी। थैंक यू मैम। खड़े कालूसाई मंदिर, अभी कालूसाई मंदिर के बाहर इतने भिखारी खड़े थे, सबको पुलिस प्रशासन उठा के ले गई है। जय हो, जय हो। देखिए अभी ये बाहर से पूरा खाली पड़ा हुआ है, सारे जितने भी मांगने वाले थे, मांगने वाले थे, सबको उठा के ले गए हैं सत्यापन के लिए, आप देख सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन जिन का वेरिफिकेशन नहीं था, आईडी कार्ड नहीं बना था, उनको पुलिस वाले ले गए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन इंसान क्या है। आजकल बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ भी हो रही हैं, तो इस चक्कर में सरकार गवर्नमेंट ये अभियान चला रही है, थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। मैं घर पहुँच गई हूँ, और ये देखिए मेरा निक्कू सिंह क्या कर रही है, बबल बना के उड़ा रही है, क्या कर रही है? ओ माय गॉड, करो करो करो, सब उड़ रहा है, ओ माय गॉड, चलो चलो। दोस्तों मैं ये तीसरी दिली बना रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इसको फटाफट बना के मैं भी करती हूँ रेस्ट, 5 बजने वाले हैं, अभी तक मैं सिर्फ 2 ही डेली बना पाई हूँ, ये तीसरी है। दोस्तों फाइनली मेरा तीसरा डेली भी कंप्लीट हो गया, आप कमेंट्स करके बताइएगा कैसा बना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं थोड़ा कमर सीधी करती हूँ, वाकई में एप्रन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है,
लोग सोचते हैं ना कि जैसे एप्पन की कोई भी चीज़ें लेते हैं, थाली या कुछ भी लेते हैं, तो लोग सोचते हैं बहुत कॉस्टली है, बट उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बारीक काम होता है, सो इसीलिए वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है।